तो दोस्तों, आज मैं आपको गवर्नमेंट टैब में के दो ऐसे तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने गवर्नमेंट टैब के अंदर प्ले स्टोर को ओपन कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज मैं आपको दो तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आप प्ले स्टोर को ओपन कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलो दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर आई के बटन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और दोस्तों ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों, ये वाला पहला तरीका है, दूसरा तरीका भी मैं इसके बाद यहाँ पर बताने वाला हूँ। और दोस्तों, अब आपको यहाँ पर ऐड नेटवर्क पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिख देना है play.google.com। ऐसा लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली ऐसा लिखने के बाद दोस्तों आपको इस पर जो है टैप करके रखना है, और इसको आप यहां से ओपन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपका यहां से भी जो प्ले स्टोर है वो ओपन हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका यहां से प्ले स्टोर ओपन नहीं होता तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने अवसर ऐप पर, और अवसर ऐप पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली असाइनमेंट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, और अब आपको यहाँ पर सर्च हेयर पर जो है क्लिक कर देना है। सर्च हेयर पर आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको यहाँ पर जो ये वाला आइकन है इसको ऐसे एक तीन बार प्रेस कर देना है, और फिर आपको यहाँ पर PLAY, तो दोस्तों फिर आपको यहाँ पर लिख देना है play.google.com। और ऐसा करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है, और फिर आपको इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद दोस्तों ये आपके यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है, और ऐसा करने के बाद दोस्तों ये यहाँ पर सेट हो गया है। अब आपको जो आपने पहले लिखा था उसको आपको यहाँ से काट देना है, और फिर आपको ये लिखा दिख रहा होगा, और इस पर आपको सिंपली से प्रेस करना है, और फिर दोस्तों आपको ओपन पर क्लिक कर देना है, और आपका जो प्ले स्टोर है वहाँ से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।